मैं अपने डेरे की आपको फसलें दिखाऊंगी। ये देखे अपना मजा आ गया खाने का। ये सान मूला है ये देखे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस मैं डेरे पे आया था तो मैंने सोचा कि मैं यार व्लॉग बनाऊं और मैं आपको दिखाऊं कि यार ये मैं अपने डेरे की आपको फसलें दिखाऊं। ये पीछे ये देखें, ये भैंसों का चारा है, ये आपको दिख ही रहा होगा। इसको हम इंग्लिश उर्दू में कहते हैं वो स्टाला, और साथ वो है गंदम। ये देखें सारी गंदम है साथ, और माँ वो देखे पीछे गाइस वो सूरज का, ये सूरज का व्यू चेक करें गाइस। जब ये तलू होता है, तलू का तो मैंने आपको दिखा ही दिया, वो देखे पीछे गुरू का तो मैंने आपको दिखाना था, वो पीछे आपको दिखा दिया। वो देखे कैसा व्यू आ रहा है पीछे, ये देखें। इसलिए मैंने सोचा कि यार व्यू भी अच्छा आ रहा है तो मैं कोई व्लॉग बना लूँ। तो चलो गाइस आगे आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे भी क्या क्या है। चलो गाइस चलते हैं। सामने गाइस ये सारा ट्यूबवेल वगैरह लगा हुआ है, वो सामने जो गली जा रही है ना, ये जो सामने गली है, ये सामने पहली है ना मेरे ख्याल में, तो गोभी है इसमें, ये सामने पहली में। तो गाइस देखते हैं गोभी है वो। गाइस मैं आपको चलो गाइस दिखाता हूँ जाके। तो गाइस अभी ये मैं आ चुका हूँ इधर, तो आपको दिखाता हूँ। गाइस ये है कि यार मैं, हाँ मेरे पापा ने ना पूरी लगाई हुई थी ये गोभी जो है ना सारी वो एंड तक, क्योंकि अब थोड़ा सही सारा आ गया क्योंकि मटर लगाए हुए थे उधर, वो भी मटर पक चुके हैं तो उन्होंने बेच दिए थे उधर, बेच दिए थे। तो ये गोभी जो है ना इतने ही से मिड़ा गई थी, ये देखो मैंने आपको जूम करके दिखाया सामने। तो ये जो है ना गोभी जो है ना बस इतने ही से रह गई थी, ये थोड़ा सा ऐसा है गोभी का। तो गैस चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि गोभी में अभी कच्ची आगे पक्की है हो गई है, मेरे ख्याल से कच्चे फूल हैं अभी फूल। अभी जाके देख लेते हैं, अभी इधर से मैं कोई देख लेता हूँ फूल, अभी कोई फूल नहीं मिल रहा। ये एक मिला गाइस फूल, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये है गोभी गाइस, अभी मेरे ख्याल से तो थोड़ी कच्ची है अभी नहीं पकी। ये देखिए गाइस, ये आपने देखा होगा ये सारा गोभी का ये गाइस। तो अभी गाइस मैं आपको थोड़ी सी तोड़ कर भी दिखाता हूँ कि यार कैसी है। ये देखें ये जो है ना ताज़ा, इसका खाने का अपना मज़ा होता है। और दूसरी गाइस उन्होंने ना जो उधर से लेते हैं दुकानों से, वो उन्होंने कीमतें भी बड़ी ज़्यादा की होती हैं, और गाइस साथ साथ उन्होंने स्प्रे काट के ना, तो वो ऐसा स्प्रे काट के माल देते हैं। ये गाइस जो ताज़ा माल है ना, ये खाने का अपना ही मज़ा है। खाता हूँ ये देखें गाइस, अभी मैं खा रहा हूँ, थोड़ी सी और ले लेते हैं। ये गाइस देखें अपना मज़ा आ गया खाने का, मज़ा आ गया गाइस। अभी आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या। तो गाइस ये देखें ये साड़ी जो है ना, वो देखें वो भी, ये साड़ी हाली है, इधर ज्वार लगी हुई थी तो उन्होंने भी ये काट लिया ज्वार। तो अभी इन्होंने ना इधर जो स्टाला लगाना था, ये सारा स्टाल। तो गाइस वो देखें जो आगे हैं ना, वो प्याज लगे हुए हैं आगे, आपको तो शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जा कर। चलो गाइस जाते हैं आगे जा कर, मैं इनको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखें ये सारा प्याज लगा हुआ है एंड तक, वो देखें वो आगे एंड तक प्याज लगा हुआ है। तो गाइस आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या लगा हुआ है। चलो गाइस आगे जाते हैं, आगे जाके भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखें ये थूम भी लगा हुआ है आगे, ये देखें ये थूम है सारा, वो देखें ये थोड़ा सा ही थूम लगाया हुआ है क्योंकि घर के लिए वो लेके जानी होती है सब्ज़ी, तो थोड़ा सा थूम लगाया अपने लिए बस, ये नहीं बेचते हम। तो गाइस ये आगे भी आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या लगा हुआ है। वो देखें वो आगे भी थोड़ा सा थूम लगा हुआ है, वो आगे आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो देखें ये भी थूम ही है। तो गाइस ये पता नहीं क्या है, ये भी देखते हैं हम ये क्या लगा हुआ है। ये मेरे ख्याल से सारी गाजरें लगी हुई हैं, ये थोड़ी सी हैं गाजरें भी। मैंने गाइस आपको बताया कि यार ये हमने बस घर के लिए रखी हुई हैं, थोड़ी सी हम घर के लिए बस इस्तेमाल कर लेते हैं अगर पकानी हो तो, हम भी ये बेचते नहीं हैं, बेचते हैं हम गोभी हैं या मटर। तो गाइस आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाइस ये देखें इधर यार, गाइस अभी पालक भी लगी हुई है, अभी मेथरे मूलियाँ शलजम गाइस ये सारा कुछ हमने लगाया हुआ है इधर, ये आपको तो नज़र आ ही रहा होगा, ये सारा लगा हुआ है सारा कुछ, मूलियाँ शलजम ये सारा कुछ। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि मूलियाँ वो आगे भी लगी हुई हैं,
क्योंकि इधर पालक भी है, पालक भी आपको मैंने दिखाई आ गई है, देखिए सारी पालक। अभी आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ मूली और वो जो है ना आगे शलजम भी लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको मूलियाँ भी दिखाता हूँ कि यार अभी हमने मूलियाँ भी लगाई हुई हैं, शलजम मैं आपको पहले दिखा दूँ। ये देखिए यार, ये शलजम लगा हुआ है, ये सारा इतना मोटा शलजम है यार, अभी सारा कुछ पक गया। अभी आ गई, ये देखिए आपको मैं मूली भी दिखा देता हूँ एक, ये इतनी मोटी मूली है, ये देखें गाइस, ये मूली यार अपने ही मज़ा है इसको खाने का, ये देखिए कितनी मोटी है मूली। तो गाइस आगे भी आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लगा हुआ है। चलो अभी आगे भी जाके मैं आपको दिखाता हूँ, मूलियाँ ही हैं सारी, ज़्यादा मूलियाँ लगी हुई हैं। चलो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इन्होंने काट भी ली हुई हैं बीच से, ये देखें आधी आधी, ये देखें काटी हुई हैं, ये देखें मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें ये सारी आधी आधी पड़ी हुई हैं इधर। तो अभी आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखें, ये अभी पालक भी लगी हुई है, वो देखें वो सामने पालक भी लगी हुई है, शलजम भी है इस तरफ, और गाजरें मेथरे सारा कुछ गाइस इधर लगा हुआ है, मिक्स ही है सारा। तो गाइस अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाना भूल गया हूँ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, चलो आओ गाइस दिखाता हूँ। तो गाइस उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये मोंगरे हैं, ये जो मोंगरे हम खाते हैं, ये देखें ये गाइस ये मोंगरे हैं। और काकल भी आ गया, ये भी गया हुआ था, गाड़ी गया हुआ था, वो भी अभी आ गया। तो गाइस अभी मैं आपको एक चीज़ तो दिखा दूं पहले, गाइस ये देखें ये सान मूला है, ये देखें ये आपने देख दी होगी, ये देखें गाइस, और ये देखें ये गाइस, ये देखें ये शलजम है, सान है गाइस, ये मैंने रखे हुए थे दोनों आपको दिखाने के लिए यार, इनको एंड पे दिखाऊंगा। ये देखें गाइस आपने तो देख लिया होगा, ये गाइस अभी ऊपर आ भी नहीं रहा है। तो गाइस आगे मैं आपको दिखाता हूँ, चलो गाइस आओ। तो गाइस ये जो है ना आगे ये सारा, तो गाइस ये ना सारा फार्म हाउस है, इधर वो बैठ के ना मेरे दाया अबू उधर बैठ के ये सारे उधर बाहर बैठ के ना टेरेस पे, तो वो भी शुगर मेला लगाते हैं इधर, हवा भी बड़ी सोनी आती है। तो गाइस ये देखें, ये अगर वो दरवाज़ा बंद है नहीं तो मैंने आपको अंदर से भी दिखा देना था। तो गाइस अंदर तीन चार कमरे भी हैं, इधर एसी भी लगे हुए हैं। तो गाइस अभी ये है कि कोई मेहमान आए ना इधर, तो उसे उधर इधर डेरे पे रख लेते हैं, क्योंकि वो यार बेली होते हैं, उनको घर रखने वाले तो मेहमान होते नहीं, तो उन्हें इधर ही रख लेते हैं, इधर ही रह लेते हैं जितने दिन रहना हो, इसलिए फार्म हाउस ये इधर इसीलिए बनवाया हुआ है हमने। तो गाइस आज का व्लॉग इतना ही था, तो अंधेरा भी बहुत हो चुका है, तो अभी गाइस घर भी जाना है मैंने, मुझे घर जाना है। तो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।